नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जो भी विकास के कार्य प्रदेश में हुए हैं वह सपा की ही देन है। जूही सिंह आजमगढ़ शहर के रोडवेज बाईपास स्थित एक होटल में पहुंची थी। सपा महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर वह यहाँ आई है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस को भारतीय जनता पार्टी ने एक इवेंट बना दिया है। जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तमाम समस्याएं हैं, लेकिन बीजेपी इस पर कुछ नहीं कर रही है, जबकि बीजेपी ने बहुत सपना दिखाया था। आज गंगा की सफाई की हालत क्या है? सीएससी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था फेल है, महिला अत्याचार बढ़ गया है। जूही सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य उद्देश्य संविधान को बचाना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के साथ लेकर चलते हैं। चुनाव को लेकर जूही सिंह ने कहा कि बदलाव बहुत जरूरत है, तभी समस्याओं का हल होगा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की तमाम योजनाएं अखिलेश यादव ने चलाई थी, वही आज भी चल रही है। स्वतंत्रता दिवस पे आजमगढ़ आए हैं, यहाँ पर बच्चों और लोगों के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो एक झूठ है और स्वतंत्रता दिवस को भी जो बस एक इवेंट के तौर पे बनाकर रख दिया है, जबकि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, साथ ही नियुक्तियाँ निकल नहीं रही हैं, वजीफे आ नहीं रहे हैं, ये सब बातें भी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सत्ता बदलने से ही बदलाव आएगा और संविधान को बचाना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ध्येय है। उन्होंने एक ही नारा दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और हम यही सब बोल रहे हैं। जो महापुरुषों ने सपना देखा था, क्या वह आज पूरा हो रहा है? महापुरुषों ने तो हमें आज़ादी दिलाई थी, जो भारतीय जनता पार्टी ने सपना उत्तर प्रदेश के लिए दिखाया था वो तो बिल्कुल पूरा नहीं हो रहा है। न गंगा साफ हो रही है, सीएजी की रिपोर्ट में महाभ्रष्टाचार और घोटाला खुल रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त है। जो काम हुआ है वो केवल अखिलेश यादव जी की सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ है। यहाँ हमारा संगठन बैठा है, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं और हम लोग मिल बैठकर यही बात कर रहे हैं कि लोगों तक इस बात को पहुंचाना है और लोग इसको समझ नहीं रहे हैं, इसलिए अब सरकार बदलेगी। ये वो बेहतर बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में तो उपलब्धियां, काम, मेडिकल कॉलेज, रोड, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना, जो नियुक्तियां थी, जो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, कन्या विद्याधन 10, 90, 112, सब कुछ तो अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार में ही किया गया है। गंगा कितनी साफ है, गंगा ने बुलाया था, यही बता दें। घोसी सीट जो आपके खाते से जा चुकी है, आप समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी फिर निर्धारित कर दिया है, क्या लगता है वो इस बार भी आपके पाले में आएगी घोसी की सीट? घोसी की सीट हमारे खाते से गई नहीं थी, वो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। वो व्यक्ति विशेष इधर उधर कई पार्टियों में चले गए थे, शायद हमने पहचानने में कुछ भूल कर दी। हमारे प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी हैं, जो पहले वहाँ से लड़ चुके हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि पूरी समाजवादी पार्टी उनको जिताएगी और वो जीतेंगे। हमारे नए विधायक होंगे घोसी। हम आज आजमगढ़ में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी यहाँ बहुत मजबूत है और पूर्वांचल ने भी बहुत सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ किया, विश्वास जताया। हम बहुत मेहनत से ये चुनाव लड़ेंगे और केंद्र सरकार को बदलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही केंद्र सरकार को बदल सकता है और वो काम समाजवादी पार्टी। लेकिन इसी समाजवादी गढ़ में सपा को हार का सामना करना पड़ा लोकसभा चुनाव में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सीख लेते हैं हम लोग और सीख लिया है कि कैसे अब दोबारा कभी नहीं हारेंगे। इंडिया ऑलरेडी दिल्ली का जो अध्यादेश लाए थे और उसके बाद उनको एक तरीके से कानून लाए, तो इस पर ऑलरेडी आम आदमी पार्टी का समर्थन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि ये संविधान के विरोध में है, संविधान का ढांचा इससे नष्ट होता है। बाकी सीआरपीसी आईपीसी में जो बड़े बदलाव आए हैं और जिसमें कई जगह पुलिस कस्टडी भी बढ़ा दी गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि कहीं ना कहीं जो कस्टोडियल डेथ है इसमें पुलिस जिम्मेदार है। इस अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो गंभीर समस्या है, संविधान की सुरक्षा करना हमारा काम है और वो हम काम है।
देखिए प्रधानमंत्री लाल किले से क्या बोल रहे हैं ये उनको खुद ही सुन लेना चाहिए। उनकी पार्टी में परिवारवाद की कितनी अधिकता है, उनकी पार्टी में अन्य दलों से लोग जो आए हैं उनको वरीयता मिलती है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा आरोप केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर लग रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह एक एक्सप्रेसवे या एक रोड बनने में कितना कमीशन या कितना उसकी कॉस्ट बढ़ गई। साथ ही जो अन्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस के लिए डीजल नहीं है, कौन सी नियुक्ता निकल रही, कौन सी रोजगार दिए जा रहे हैं, पेड़ लग गए कागज पे, मुख्यमंत्री ने बताया हमें तो कहीं दिख नहीं रहे। विधानसभा में जो प्रश्न पूछा जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न का जवाब भी नहीं देते हैं, तो ये वो बेहतर बता सकते हैं कि उनकी भाषण में कितनी सच्चाई थी। और एक प्रधानमंत्री से भारत इससे अधिक उम्मीद करता है, सच बोलने की उम्मीद करता है।